तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरु जी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक सात जनवरी दो मंगलवार के दिन का तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज का दिन जो है बारह में से आठ राशि वालों के लिए खास रहेगा वहीं अन्य चार राशि वालों को आज संभल करके कार्य करना होगा तो आज पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है मंगलवार का दिन है आज का दिन माने दस घंटा चौबीस होगा प्रातःकाल सात बज के पंद्रह मिनट पर और सूर्यास्त तो होगा शाम पांच बज के उनचालीस मिनट पर आज दिन की शुरुआत कृतिका नक्षत्र से होगी और आज शुभ एवं शुक्ल नाम के दो शुभ योग रहेंगे और आज चंद्रमा का संचरण वृषभ राशि में होगा आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा दिन के 12 बज के मिनट से आरंभ होकर तो के तो 12 बज के मिनट तक रहेगा तो इस श्रेष्ठ मुहूर्त के दौरान आप वाहन जमीन जायदाद आदि का लेन देन कर सकते हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत इस दौरान आप कर सकते हैं यह मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और आज का अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त प्रारंभ होगा प्रातःकाल नौ बज के मिनट से आरंभ होकर के तो दस बज के मिनट तक रहेगा तो इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए और आज राहु काल रहेगा दिन के तीन बज के तीन मिनट से आरंभ होकर के तो सायंकाल चार बज के इक्कीस मिनट तक रहेगा तो इस समय अवधि में आप किसी भी प्रकार का लेन देन का काम नहीं करें और कोई नया काम इसमें शुरू नहीं करें क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने की संभावना अधिक होती है और आज दिशा रहेगा उत्तर दिशा में तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसी भी शुभ नए व मांगलिक काम की शुरुआत नहीं करें उत्तर दिशा की यात्रा भी आप नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करके अथवा इष्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज मंगलवार का दिन है जो संकट मोचन हनुमान जी महाराज को समर्पित है तो जो भी व्यक्ति शुद्ध पवित्र मन से हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करता है उसके जीवन में दुख संकट नहीं आते हैं और साहस की उसके अंदर कमी नहीं रहती है तो मंगलवार का व्रत वाल करने वालों की कुंडली में यदि मंगल ग्रह अशुभ स्थानों में होते हैं निर्बल होते हैं तो भी उन उनके रोग कष्ट दुख आदि दूर हो जाते हैं और शुभ फलों की ही उनको प्राप्ति होती है तो इस दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है इसके अलावा मंगलवार का व्रत व्यक्ति को सम्मान साहस व बल में वृद्धि करवाता है यह व्रत बहुत ही लाभकारी व्रत माना गया है साथ ही इसी व्रत के फलस्वरूप पापों से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और भाई भूत, प्रेत की बाधा काली शक्तियों से बचने के लिए और शत्रुओं का नाश करने के लिए भी मंगलवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो इस प्रकार से आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए जिससे इस व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ करके आप स्नान कर ले में स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने घर के ईशान कोण में किसी भी एकांत स्थान पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके लाल वस्त्र स्वयं पहन लें और अपने हाथ में जल लेकर के इस व्रत का संकल्प लेवें अब केसरी नंदन के सामने शुद्ध घी का दीपक जलावें और लाल पुष्प की माला उन्हें अर्पण करें चमेली का तेल लेकर के उनके सामने रखें या उनके ऊपर हल्के से छीटे डाल देवें इसके बाद मंगलवार की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी महाराज के बीज मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं और सबसे अंत में भगवान को भोग लगा करके ऋतुफल मिठाई चना चिरौंजी आदि का भोग अर्पण करके श्रीफल चढ़ावे कर्पूर से उनकी आरती उतारें सभी को प्रसाद वितरण करके स्वयं प्रसाद ले लेवे इस दिन सिर्फ एक बार ही आपको व्रत में भोजन करना चाहिए स्वच्छता व पवित्रता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए तो यह व्रत 21 मंगलवार करने का विधान होता है और विशेष फलों की प्राप्ति इससे हो जाती है इस दिन शाम के समय भी आप शुद्ध पवित्र होकर के हनुमान जी का पूजन करें भोग लगा करके आरती उतारें तो यदि आपने 21 मंगलवार के व्रत का संकल्प ले रखा है तो बाईसवें मंगलवार को विधिवत हनुमान जी का पूजन करें हवन आदि करें चोला अर्पण करें और उस दिन आप 21 ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें हवन आदि करावे। इस व्रत का इस प्रकार से उद्यापन हो जाता है तो ऐसा श्रद्धापूर्वक करने से हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको मिलती है दुख संकटों का आपको जीवन में सामना नहीं करना पड़ता है और मंगलवार के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है और आपकी जो मनोकामना होती है वह भी हनुमान जी महाराज की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाती है तो आज जो है शुभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के कारण बारह में से आठ राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं इन आठ राशियों में आज है वृषभ कर्क सिंह कन्या वृश्चिक धनु मकर और कुंभ राशि वाले लोग वहीं अन्य चार राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक नहीं रहेगा तो आज आपकी जन्म राशि के अनुसार भगवान हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपको दुख व संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं तो मेष राशि से आरंभ करते हैं मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से आपका रुझान धर्म कार्यों के प्रति अधिक हो सकता है और आप धार्मिक पुस्तकों का पुस्तकों का अध्ययन करते दिखाई दे सकते हैं आप निवेश के बारे में विचार करते नजर आएंगे जिससे आपको भविष्य में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा इसके लिए आप कोई पॉलिसी या बीमा आदि भी ले सकते हैं यह समय काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय आपके लिए सलाह इस प्रकार से रहेगी कि किसी भी बड़े काम के बारे में विचार विमर्श के बाद ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए जो आपके लिए हित कर रहेगा आपको पहले से अधिक मेहनत करना होगी तभी आपको उचित परिणाम अपने अनुकूल मिल पाएंगे कार्यभार में अचानक वृद्धि के कारण तनाव व व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज जीवन शांति के अच्छा जीवन शांति के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना आपके लिए काफी हितकर रहेगा क्योंकि इसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से देखने को मिलेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो किसी भी कार्य के सिलसिले में यात्रा करने के योग आपके लिए प्रबल रहेंगे तथा उससे औसतन परिणाम मिलने की संभावना आपके लिए ज्यादा रहेगी अतः जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज का समय आपके काफी श्रेष्ठ रहेगा आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको सिर से संबंधित छोटी शारीरिक तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुभ रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातः काल हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जलावे हनुमान जी महाराज का पूजन करें सिंदूर का चोला अर्पण करें चना चिरंजी का भोग अर्पण करें और लाल ध्वजा भी उनके शिखर मंदिर के शिखर के ऊपर अर्पण करें कर्पूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात हनुमान जी महाराज के नाम मंत्रों का बैठ करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है वृषभ तो वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आत्म सम्मान में वृद्धि होने के साथ साथ ही कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना अधिक रहेगी आय के साधन आपके बढ़ते रहेंगे विशिष्ट योजनाओं को क्रियान्वित आप कर पाएंगे गंभीरता के साथ किए गए कार्यों में अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं समय आपके लिए अनुकूल थोड़ा कम रहेगा आप घर और कार्य क्षेत्र पर कार्यभार से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को इस समय ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी इसी से अच्छी सफलता पा सकेंगे आज लाइव की यदि हम बात करें तो इस समय आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी अपने संबंधों में पारदर्शिता रखने की जरूरत रहेगी ऐसा न करने की स्थिति में बातें आपके लिए बिगड़ सकती है वैसे आप जो भी कोशिश करें अनुकूलता की कमी आज थोड़ी हो सकती है तो धैर्य पूर्वक स्वविवेक से आप कार्य व्यवहार करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा आज व्याप व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार करने वालों के लिए यह समय कठिन थोड़ा रहेगा उन्हें कुछ नए व्यापारिक समझौते करने के लिए अपनी काबिलियत दिखाना होगी तभी अच्छी सफलता मिल पाएगी आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें इस समय आपको मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखना चाहिए वरना आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है शुभ रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी के आटे के पांच दीपक जलावे हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला अर्पण करें पंचमेवा और मिठाई का भोग अर्पण करे एक श्रीफल चढ़ावे कर्पूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है मिथुन तो मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह समय आपकी मेहनत को रफ्तार देने का काम करेगा इसलिए इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपको और अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकेगी पारिवारिक जीवन भी इस समय आपके लिए समृद्ध रहेगा और किसी भी अतिथि के आने के योग आपके लिए बन सकते हैं अतिथि का आदर सत्कार करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आय के साथ साथ व्यय में आपके बढ़ोतरी होगी फिजूल के खर्चों से आपको परहेज करना चाहिए सा, साक्षात्कार देने और नौकरी की तलाश के लिए समय उपयुक्त तो नहीं रहेगा अतः सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए किसी भी प्रकार के तनाव से आपको बचना चाहिए और शरीर को पर्याप्त आराम व नींद लेने की आवश्यकता रहेगी आज लाइव की यदि हम बात करें तो इस समय घर परिवार के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल हो सकता है लेकिन इस समय संयम के साथ मीठा बोलना आपके लिए काफी उचित रहेगा काम की अधिकता आपको रह सकती है आज इस अधिकता के कारण आप तनाव व दबाव महसूस कर सकते हैं तो परिवार को समय देना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापारी वर्गों को कुछ नए काम मिल सकते हैं लेकिन नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम देना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक नौ है शुभ रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावे हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करावे पंचामस से स्नान करावे पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके सिंदूर का चोला अर्पण करें श्रृंगार करें और मिठाई ऋतुफल का भोग अर्पण करें पान के पत्ते के ऊपर आटे का एक दीपक भी जलाएं और श्रीफल श्रीफल चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारें बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है कर्क तो कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके ज्ञान का स्तर ऊंचा रहेगा आप अविलंब कुछ बड़े निर्णय ले पाएंगे लोग आपकी सद्बुद्धि की सराहना करेंगे तथा आपसे सुझाव लेना भी पसंद कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों से आपका सामना आज हो सकता है लेकिन आप उसका साहसपूर्वक मुकाबला कर पाएंगे किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने की योग्यता इस समय आपकी मदद करेगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको मानसिक तनाव का सामना अधिक करना पड़ सकता है किसी अवांछित यात्रा पर जाना हो सकता है लेकिन आपके साथ अचानक से कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित हो सकती है आप अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे घर के रख रखाव के कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है आज तनाव मुक्त होकर काम करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय पार्टनर का प्रेम प्रेम के साथ सम्मान भी दें मर्यादित रह करके व्यवहार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिल पाएगा जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति आप कर सकेंगे आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आज लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं अतः खुद को ऐसे लोगों से दूर रखने की आवश्यकता रहेगी आपको बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको आँखों व सर दर्द से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या खड़ी हो सकती है। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आज आपके लिए अति आवश्यक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावे और हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें श्रृंगार अर्पण करें लाल वस्त्र चढ़ावे लाल पुष्प की माला चढ़ावे ऋतुफल पंचमेवा का भोग अर्पण करके एक श्रीफल चढ़ावे कर्पूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है सिंह सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय लंबी दूरी की यात्रा होना संभावित है रास्ते में कुछ अच्छे लोगों से संपर्क आपका हो सकता है भाग्य आपके पक्ष में रहेगा आपके प्रयास फलीभूत हो सकेंगे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने के योग हैं आप और आराम का आनंद भी ले सकेंगे आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा आज माता पिता के आशीर्वाद से ही कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के योग रहेंगे आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने माता पिता या माता पिता समान लोगों से जैसे कि अपने अधिकारी अध्यापक और पदाधिकारी के लिए समस्याओं और चिंताओं का अनुभव थोड़ा सा कर सकते हैं और विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना कर पड़ सक कर सकते हैं यह समय आपके लिए तनाव तनावयुक्त भी हो सकता है और खर्चीला भी हो सकता है इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आप रखेंगे और तनाव मुक्त होकर के कार्य करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल जाएगी आज लाइफ की यदि हम बात करें तो निजी संबंधों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा विवाहितों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा फिर भी मर्यादापूर्ण व्यवहार करना आपके लिए काफी हितकर रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपको अपने पेशे

तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान हनुमान जी का यथाशक्ति पूजन कर लेवे लाल वस्त्र अर्पण करें और लाल पुष्प की माला अर्पण करें फल मिठाई का भोग अर्पण करें एक श्रीफल चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारें और बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें अथवा हनुमान जी के बीज मंत्रों का बैठ करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है कन्या कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में वातावरण सुखद रहेगा माता पिता का आशीर्वाद व सहयोग आपको मिल पाएगा व्यक्तिगत मोर्चे पर आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और घरेलू जीवन में एकजुटता की भावना प्रबल रहेगी नौकरी बदलने और नई नौकरी की खोज में मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने प्रत्येक कार्य में सावधानी आपको बरतना चाहिए और कोई प्रमुख निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए अगर आप शादीशुदा है तो अपने ससुराल वालों के माध्यम से कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है सोने या अन्य मूल्यवान धातुओं की खरीदारी में खर्च होने की संभावना अधिक बन रही है आज लाइव की यदि हम बात करें तो आज घर परिवार में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको पूरे दिल से प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने से परिवार में दरार उत्पन्न हो सकती है इसलिए घर परिवार में प्रेम पूर्ण व्यवहार करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार वृद्धि के लिए कोई ठोस योजनाओं पर विचार करना आपके लिए हितकर रहेगा इस समय आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आप यात्राओं से बचेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वाहन का प्रयोग सावधानी से करें तो आपके लिए तो आज आपका प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में पीपल के पत्तों के ऊपर शुद्ध घी के दीपक जलावे और पीपल के ग्यारह पत्तों के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिख करके अर्पण करें ऋतुफल मिठाई का भोग अर्पण करें श्रीफल चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारें और बैठ करके हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है तुला तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि काफी दिनों से रुका हुआ कार्य संपन्न होने के योग हैं आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे वहीं वरिष्ठ आपके कार्यों की सराहना करेंगे इस समय आप कोई नया वाहन या घर की सजावट आदि वस्तुओं की, की खरीदारी आदि कर सकते हैं इनमें खर्च आपका बढ़ सकता है जीवन साथी के ऊपर बेहतर रहेगा।, रहेगा लेकिन भावनात्मक रूप से आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं घर पर मामूली विवाद होने के संकेत रहेंगे जिनसे आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है आपको अपने काम से थोड़ा समय निकाल करके किसी स्थल की यात्रा पर जाने की इच्छा हो सकती है यात्रा करना आज आपके लिए काफी अच्छी रहेगी आज लाइव की यदि हम बात करें तो यह समय आपके निजी संबंधों के लिए अनुकूल थोड़ा सा कम रहेगा इस समय किसी भी प्रकार का बात का बतंगड़ आपको नहीं बनाना चाहिए और अपने निजी संबंधों के लिए समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए और अपने व्यवहार में किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहिए तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है आज इससे आपको परहेज करना चाहिए वरना आपको कहीं नुकसान भी हो सकता है आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य वैसे बेहतर रहेगा संतान को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अतः तो संतान के स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुभ रंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें लाल वस्त्र अर्पण करें लाल पुष्प की माला अर्पण करें ऋतुफल मिठाई का भोग अर्पण करके एक श्रीफल चढ़ावे कर्पूर से उनकी आरती उतारें पंचमेवा का भोग भी अर्पण करें और यथाशक्ति भेंट करके हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलता दायक आज रहेगा अगली राशि है वृश्चिक तो वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय आपका परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा इसलिए समय मिलने पर उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं यह समय परिवार के साथ बिताने के लिए बेहतर रहेगा आप अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे साक्षात्कार देने के लिए समय उपयुक्त रहेगा तथा सफल होने की ज़्यादा उसमें संभावना आज आपके लिए रहेगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कार्य में हार्ट और अभद्रता से पेश बिल्कुल नहीं आए कानूनी पचड़ों में उलझने के लिए समय उपयुक्त नहीं है अतः हाँ कुछ दिनों के लिए इनको टाल देना चाहिए कुछ ऐसी समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं जो कहाँ से उत्पन्न हुई यह आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए ऐसी समस्याओं से दूरी बनाए रखना आज आपके लिए ठीक ही रहेगा आज लाइव की यदि हम बात करें तो विवाहितों को बेहतर लेकिन अन्य को कम अनुकूल परिणाम मिल पाएंगे सावधानी से काम लेने पर बेहतर बेहतर परिणाम पा सकेंगे कुछ घरेलू समस्याएं आपके लिए बाधक हो सकती है अनुकूल दिन को बनाए रखने के लिए प्रेमपूर्ण आपको व्यवहार करना होगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंधों में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है आपकी स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की मंशा रहेगी आप खुद के लिए किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन भी बना सकते हैं आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको मानसिक तनाव से कुछ मुक्ति मिल पाएगी आज मानसिक रूप से आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे फिर भी नियमित दिनचर्या का पालन आप करते हैं तो शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी अच्छे रहेंगे तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुभ रंग आपका बादामी रंग है तो बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में आटे के शुद्ध घी के पांच दीपक पीपल के पत्तों के ऊपर चढ़ावें और हनुमान जी महाराज का यथाशक्ति पूजन कर लेवें सिंदूर का चोला भी अर्पण करें वस्त्र अर्पण करके पीली मिठाई का भोग अर्पण करें एक श्रीफल चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारें और बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है धनु धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज अनुसंधान और खोज के क्षेत्रों से जुड़े लोग कई नए अवसर प्राप्त कर पाएंगे जो उन्हें लगातार भी मिलते रहेंगे उन लोगों को उनके काम से पहचाना जाएगा और शायद किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर भी आपको मिल पाएगा आपकी वाक शक्ति काफ़ी अद्भुत रहेगी जिससे लोगों को अच्छे से आप प्रभावित कर पाएंगे आज आपको अपने कार्य में भी अच्छी सफलता मिल पाएगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते निवेश के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा इसलिए किसी निवेश में जोखिम का अनुभव आपको हो रहा है तो इसमें निवेश करने के विचार को आपको छोड़ देना चाहिए नई व्यापार परियोजनाओं में आंख बंद करके प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए शुरुआत में चीजें जगह सही लग सकती है लेकिन बाद में इनमें मतभेद पैदा हो सकता है इसलिए जो भी काम करें आज सोच समझ करके आप करें तो आपके लिए हित कर रहेगा आज लाइव की यदि हम बात करें तो सामान्य तौर पर यह समय आपके निजी संबंधों के लिए मिला जुला रहने वाला रहेगा लेकिन इस समय किसी भी तरह के अप्रिय संभाषण या विचार विमर्श से आपको बचना चाहिए जानबूझकर करके आप विवाद नहीं करें तो आपके लिए हित कर रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी और व्यवसाय से जुड़े जो लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं अभी अपने सपनों को पूरा करने के अवसर भी पा सकेंगे आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो चंद्र ग्रह का गोचर जो है छठे भाव में होने से आपको कुछ मानसिक कमजोरी महसूस हो सकती है इसलिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको योग ध्यान का सहारा लेना अति आवश्यक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुभ रंग आपका बेंगनी रंग है तो बेंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावें हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें लाल वस्त्र और ध्वजा अर्पण करें और पंचमेवा ऋतुफल का भोग अर्पण करके एक श्रीफल चढ़ावें कर्पूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात हनुमान चालीसा का बैठ करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है मकर मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज इत इस बात की संभावना अधिक रहेगी कार्यस्थल पर अपने काम की गुणवत्ता के कारण अपने सहयोगियों के लिए उच्च मापदंड निर्धारित आप कर सकेंगे कार्यों के लिए और जो भी आपने सोचा है उसे पूरा करने के लिए यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा आज आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे सफलता वैसे परिश्रम से ही मिल पाएगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके दुश्मन आपके रास्ते में मुश्किलों को खड़ा करने का प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन आपको यह सलाह आज रहेगी कि अपने लक्ष्य पर आप ध्यान दें और इस तरह की तुच्छ बातों से आप प्रभावित बिल्कुल नहीं हो क्योंकि आपका काम आपको मनचाही सफलता तक पहुँचा सकता है आज लाइव की यदि हम बात करें तो आज मर्यादित तरीके से काम लेने पर आपको संतोषजनक परिणाम मिल पाएंगे इस समय मर्यादित रहना और पार्टनर की भावनाओं व स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी ही रहेगा इससे घर परिवार का माहौल आपके लिए काफ़ी अच्छा बना रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इस समय आप बिजनेस और कार्यस्थल पर कुछ नए प्रयोग के बारे में विचार कर सकते हैं हालांकि इन प्रयोगों से अनुकूल परिणाम मिलने में थोड़ा वक्त आपको लगेगा परंतु सहयोगी आपके प्रयासों की भी तारीफ करेंगे आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज संतान के प्रति कुछ तनाव महसूस कर पाएंगे या संभावना रहेगी कि उनकी चिंता आपको मानसिक तनाव दे सकती है इसलिए तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है तो गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में पीपल के पांच पत्तों के ऊपर शुद्ध घी के आटे के पांच दीपक जलावें हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें पंचमेवा और मिठाई का भोग अर्पण करें एक श्रीफल चढ़ा करके लाल पुष्प चढ़ावें कर्पूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है कुंभ कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय लंबे समय तक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे और आपके सीनियर और बुजुर्गों द्वारा इनकी सराहना की जा सकेगी आप भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं में विस्तार करने और उन पर काम की काम करने की जरूरत महसूस कर सकते हैं उन पर काम करेंगे तो आपको भविष्य में अच्छी सफलता मिलती रहेगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अनिश्चितता और भ्रम हावी आपके ऊपर ज़्यादा हो सकता है आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके पास कोई दिशा या विकल्प नहीं बचा है अस्थिरता कैरियर संबंधित समस्याओं को पैदा कर सकती है इससे आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने में मुश्किल होगी तो अपने मन को एकाग्र करके आप किसी भी काम को करेंगे तो वह आज आपके लिए सफलतादायक हो सकेगा आज लाइफ की यदि हम बात करें तो यह समय आपके लिए सामान्यतः कम अनुकूल रहेगा अतः काम और प्रेम के बीच में सामंजस्य बिठाए रखना होगा मन नहीं करे वह काम आप नहीं करें तो आपके लिए हितकर रहेगा आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो जो लोग व्यापार व्यवसाय आदि से जुड़े हैं उन्हें अपने व्यापार में बद बदलाव लाने और उसे बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे लोग आपकी निर्णय लेने की शक्ति की तारीफ करेंगे आप जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें यदि हम चंद्रमा की स्थिति को आज देखें तो उसके प्रथम भाव में होने से आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है इससे आपको निर्णय लेने में असुविधा आज हो सकती है इसलिए आज विशेष करके योग ध्यान का सहारा आप लेंगे तो आपके लिए हित कर रहेगा इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुभ रंग आपका नारंगी रंग है तो नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलावे हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करावे शुद्ध जल से स्नान करावे लाल वस्त्र अर्पण करें सिंदूर का चोला भी अर्पण करें और उनको ऋतुफल पंचमेवा और मिठाई का भोग अर्पण करें श्रीफल चढ़ा करके कर्पूर से उनकी आरती उतारे यथाशक्ति हनुमान जी के बीज मंत्रों का भेंट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा अगली राशि है मीन तो मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप घर की साज सज्जा करना पसंद करेंगे उस पर खर्च भी कर सकते हैं कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है इसे खास बनाने की आप कोशिश करें जो भी आप करेंगे उसके पीछे गहरी सोच आपकी होगी इसलिए आपको वही सही परिणाम मिलेंगे जो आप चाहते हैं आपके कार्य क्षेत्र में कई प्रभावशाली लोग आपके इस गुण की सराहना भी करेंगे आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं बुध ग्रह का राशि परिवर्तन दसो भाव में होने के कारण यह कर्म भाव कहलाता कर है इसलिए किसी भी कारण यदि आप इस समय अपनी मेहनत को कम करेंगे तो आपको केवल केवल निराशा ही हाथ लग सकती है इसलिए अपनी मेहनत को आपको कम नहीं करना चाहिए आज मेहनत आपको करना चाहिए अधिक लेन देन के कारण बहुत सारी अनिश्चितताएं पैदा हो सकती है तो लेन देन से आज आपको विशेष करके बचना चाहिए आज लाइव की यदि हम बात करें तो आज विवाह के लिए सोच विचार करने का उपयुक्त समय रहेगा वहीं अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है यदि किसी कारण से पार्टनर पर आपको संदेह है तो आपस में विचार विमर्श करके उस संदेह को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए आज व्यापार व्यवसाय की यदि हम बात करें तो धन के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है लेकिन संयुक्त संपत्ति और साझा फाइनेंस के माध्यम से पैतृक संबंधी या लाभ मिलने की संभावना आपके लिए अधिक बढ़ जाएगी आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपका स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य वैसे बेहतर रहेगा घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति आज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी तो आज आपका भाग्यशाली अंक सात है शुभ रंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में पीपल के पांच पत्तों के ऊपर शुद्ध घी के आटे के पांच दीपक जलावें हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पण करें चना चिरौंजी का भोग लगावे और श्रीफल चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ और सफलतादायक आज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें धन्यवाद जय श्री कृष्ण मित्रों फिर मिलेंगे